हरिद्वार में वैशाख पूर्णिमा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही हरकी पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, साथ ही मेला क्षेत्र को 15 जोन और कुछ 38 सेक्टर्स में डिवाइडेड किया है। कोरोना काल के बाद हरिद्वार में बिना गाइडलाइन के ये पहला स्नान है। आस्था बहुत महत्व है नहाने का, जितनी बार नहाओ उतना कम है, आज का बहुत महत्व है। और सब सबकी आत्मा आस्था तो दिख ही रही है, इतनी बहुत ज़्यादा आस्था है। कैसा आनंद आ रहा है हरकी पैड़ी पर? बहुत आनंद आ रहा है, कल शाम से हम स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज मालूम पड़ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कुंभ के स्नान जैसे लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे परिवार, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन विशेषकर सिख पर्व मनाया जाता है। आज बैसाख के साथ साथ संक्रांति का पर्व भी है। संक्रांति जब सूर्य जो है मेष राशि से जो है मकर में प्रवेश करते हैं, उसमें संक्रांति मनाया जाता है, जिससे आज शरद ऋतु जो है समापन की ओर, बसंत ऋतु समापन की ओर होता है। और आज विशेषकर सूर्य पूजा, गंगा स्नान का, खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। विशेषकर हर की पौड़ी में स्नान करने से, दान करने से समस्त पापों का समन हो जाता है और माँ गंगा सभी की हर मनोकामना माता पूर्ण करती है। बाहर से भी फोर्स मिली थी, DIG रेंज साहब भी फोर्स दिए थे और जिले की भी फोर्स को लगाया गया। बॉर्डर पर भी चेकिंग चल रही है और हर एक पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाई गई है, कहीं भी कोई भी अव्यवस्था नहीं है। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं सुचारू रूप